सबका स्वागत है सनाडे की व्लॉग में। तो आज मेरी दीदी सलोनी जा रही है चंडीगढ़ से दिल्ली। तो अभी हम अपने ट्रेन के लिए निकल चुके हैं। हेलो बाय आंटी। बाय ले लियो की मम्मी से। बाय मां प्रियांशु। बाय मौसा शर्मा सलोनी। मम्मी से कर दीजिए। चलो खुद ऐसे नहीं होता उनके नहीं आते। चलो दीदी गलत बात है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सरोनी के ब्लॉग्स। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आपको बता दिया हमने कि हम दिल्ली जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं हम आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो अभी हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं और सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए थे और मम्मी और से हम बाय कर रहे हैं क्योंकि मैं मम्मी और से मिल भी नहीं पाई एक्चुअली। हम इतना लेट हो चुके थे कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम पहले यहाँ से थोड़ा पैदल चलेंगे फिर हमें बस पकड़नी है अम्बाला कैंट तक। अभी ये सुबह का व्यू है कुछ इस तरह। ये मैं बातें कर रहे हैं, ये मेरा भी ब्लॉगिंग का फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं बोल इतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती। बाद में डबिंग कर लेती हूँ, बस वीडियोस बना लेती हूँ तो ऐसे ही बस। देखो सुबह का व्यू इतना प्यारा है। ये सुबह के 5:30 बजे देखो हाईवे भी पूरा खाली है, इतनी गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं है, हम इजीली सड़क क्रॉस कर सकते हैं। देखो गाइस कितना अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ट्रैवल करने में। हम जा रहे हैं हाईवे पे चल के। चलते चलते ट्रक था, एक बार पता क्या हुआ था, ऐसे ही ना फोन लेके फिर चल रहा था तो फोन तो यहाँ से हमने अम्बाला कैंट के लिए बस ली है जो हमें आधे घंटे या एक घंटे तक पहुँचा देगी। और बाहर का कुछ ऐसा व्यू है और यहाँ पे टिकट काटी जा रही है। मेरे को थोड़ी नींद आ रही है इस टाइम सुबह का और ड्राइवर अंकल ने भी लाइट्स बंद कर दी हैं जिससे सब आराम से सो सके। एक अंकल तो मेरे सामने सो रखे थे। चंडीगढ़ में कब से बारिश पड़ रही है, अभी बाहर बारिश पड़ रही है, देखो कैसा ऐसे फॉग हो रखा है बाहर। इससे अब हम उतर रहे हैं, हमारा अम्बाला गेट आ चुका है अभी 9 बजे सब उतर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत बारिश पड़ रही है। तो अभी हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं तो बस ऐसे थोड़ा सा आगे जाना है, वहाँ से हम टिकट लेंगे। बाकी ये इस तरह का व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे बारिश पड़ रही है लगातार और हम दोनों मैं और हनी चल रहे हैं। बाकी मैं लिप्सिंग कर लूँगी, मैं और हनी फास्ट फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मौसा जी ने बोला कि हम लेट हो जाएंगे तो जल्दी चले चलो। और यहाँ पे इस तरह का कुछ व्यू है और अब हम भागते भागते जा रहे हैं। मैं फास्ट चल रही हूँ। तो अभी मोर्चे से टिकट लेने गए हैं अंदर, देखो हमें क्या दिखा, आर्मी का ट्रक। हम दोनों उसको देख रहे हैं, लोग हमें देख ही जा रहे थे कि लोग कर क्या रहे हैं। अब हम अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है 6। तो देखो ये मालगाड़ी आ रही है, मुझे लगा ट्रेन है पर देखा तो मालगाड़ी थी। नेटवर्क अरे होता है यार, ये फोन होता है मोबाइल छोटा सा उस पे डायल करके हम हेलो हेलो नहीं उस पे नहीं होता है। चाय की टपरी, देखिए बारिश पड़ रही है। हेलो गाइस देखो यहाँ बारिश पड़ रही है। ऐसे क्यों हो रहा है भाई साहब, हमारे साथ पीछे पीछे जा रहे हैं।
टोपी निकाला है, टोपी पहन, टोपी पहन। हेलो गाइस, ये टोपी नहीं पहन रहा है, इसे मोशन कितना बोला टोपी पहन के। बड़ी घटिया बस्ती लो, नहीं इतनी अच्छी तो थी बस। ट्रेन जिस घड़ी का मेरा इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। तो बस अब ट्रेन का फटाफट अब बैठते हैं और मैं आपको बाद में बात करूँगी। ओके बाय। हम ट्रेन में कब से बैठ चुके थे पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो हनी बोल रहा कि कोई बात नहीं कर लो, कुछ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे को शर्म आई थी वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो ये इस तरह का यहाँ बैठे हैं। मेरी दीदी, मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली कैंट और अभी मेरे पापा रिक्शा करने गए हैं वहाँ पे, उनसे रिक्शा वाले से बात करने। और दीदी आपको कैसा लग रहा है दिल्ली में? अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चंडीगढ़ से तो बहुत आएगा। आ गया हमारा रिक्शा, नहीं आया अभी, पापा ढूंढ रहे रिक्शा वाला, ट्रेन आ जाएगी अभी। गाइस नारियल पानी पी लो, गाइस नारियल पानी पी लो।